विश्व तंबाकू निषेध दिवस की जरूरत क्यों? विश्व तंबाकू निषेध दिवस का इतिहास क्या? तंबाकू सेवन के आंकड़ों में लगातार इजाफा। तंबाकू निषेध दिवस 2000 की थीम अलग क्यों? क्या जागरूकता लाएगी 2023 की थीम? सेहत के लिए हम रोजाना यह बात अपने आसपास के लोगों के साथ करते फिरते हैं कि हमें तंबाकू का सेवन नहीं करना चाहिए, लेकिन केवल हम बात करते हैं। असल में अगर देखा जाए तो हर 3 भारतीय व्यस्कों में से एक यानी 274 मिलियन से ज़्यादा लोग तंबाकू का उपयोग करते हैं। लगभग आधे तंबाकू उपयोगकर्ता बीड़ी, जो कि सस्ती और हाथ से बनी सिगरेट होती है, उसका सेवन करते हैं। आधे व्यस्क और 27% युवा घर पर हर सेकेंड धुएं के संपर्क में हैं। 29% व्यस्क और 40% युवा सार्वजनिक स्थानों पर ही इसका सेवन करते पाए जाते हैं। मगर क्या आप जानते हैं, सेहत के लिए तंबाकू का सेवन जानलेवा हो सकता है। तंबाकू या धूम्रपान व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य के साथ ही शारीरिक सेहत पर भी नकारात्मक असर डालता है। हालांकि ये बात जानते हुए भी दुनिया भर में बड़ी संख्या में लोग किसी न किसी रूप से तंबाकू का सेवन कर रहे हैं। लोगों में बीड़ी, सिगरेट और गुटखा आदि के सेवन से कई तरह की बीमारियां होने का भी खतरा बढ़ जाता है। अगर बात करें तो सबसे ज्यादा कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों से लोगों को जूझना पड़ता है, और आलम यह हो जाता है कि लगातार कैंसर के मरीजों की तादाद में सिर्फ इजाफा हो रहा है। इसके सेवन करने की वजह से धमनियां कमजोर होने लगती हैं और कोरोनरी हार्ट डिजीज और स्ट्रोक हो सकता है। कुछ अध्ययनों में पिछले कुछ वर्षों में वैश्विक स्तर पर बड़े हार्ट अटैक के लिए धूम्रपान को भी एक संभावित कारक बताया गया है। लेकिन इन तमाम बीमारियों के उजागर होने के बाद भी इसका सेवन करने वाले लोगों की तादाद बढ़ रही है। धूम्रपान करने से धमनियां कमजोर होने लगती हैं और कोरोनरी हार्ट डिजीज और स्ट्रोक हो सकता है। कुछ अध्ययनों में पिछले कुछ वर्षों में वैश्विक स्तर पर बड़े हार्ट अटैक के लिए धूम्रपान को भी एक संभावित कारक बताया गया। इसके अलावा तंबाकू का उपयोग से कैंसर या फेफड़े की बीमारी भी हो सकती है। ऐसे में लोगों को तंबाकू के सेवन से रोकने के लिए इससे होने वाले नुकसान के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से प्रति वर्ष दुनिया भर में विश्व तंबाकू निषेध दिवस यानी कि वर्ल्ड नो टेबको डे मनाया जाता है। तंबाकू निषेध दिवस मनाने की जरूरत कब और क्यों महसूस की गई, वहीं इस पर दिन का महत्व आदि के बारे में जानकर दूसरों को भी जागरूक किया जा सकता है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है। 1988 में मई के आखिरी दिन इसे मनाने के लिए एक प्रस्ताव पास हुआ था, जिसके बाद से हर साल 31 मई को तंबाकू के सेवन को रोकने और इससे होने वाली समस्याओं से जागरूक करने के लिए विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाने लगा। विशेषज्ञों के मुताबिक तंबाकू के सेवन से कई गंभीर और जानलेवा बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। फेफड़ों में कैंसर, लीवर कैंसर, मुंह का कैंसर, कोलन कैंसर और गर्भाशय का कैंसर होने का जोखिम रहता है। इसके अलावा हृदय रोग और इरेक्टाइल डिसफंक्शंस जैसी बीमारियां भी हो सकती हैं। विश्व तंबाकू निषेध दिवस की हर साल एक विशेष थीम तय होती है। इस वर्ष की थीम काफ़ी खास है और अलग भी है, क्योंकि जो लगातार हमें बताने का प्रयास कर रही है, हम मानव को खाना खाने की आवश्यकता है न कि तंबाकू। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2000 की थीम वी नीड फूड नॉट टोबैको है। इस थीम का उद्देश्य तंबाकू किसानों को वैकल्पिक फसल उत्पादन के बारे में जागरूक करना है। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।